फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है शाम का टाइम और जस्ट ऐसे ही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना ससुराल का ब्लॉग, जिसमें थोड़ी बहुत शादी की भी तैयारियाँ ऑब्वियसली होंगी और जस्ट नॉर्मल सा ये ब्लॉग होगा ससुराल का। तो चलिए देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। उसका क्या करना है? उसका बोलो बोल दो रोटी खाने को। रीना रोटी नहीं खा रही है। रीना रोटी खाओ। खाओ जल्दी खाओ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मॉर्निंग का सीन है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे अब छत पे भी बांस लगा रहे हैं पंडाल के लिए। नीचे तो लग चुका था आधा अधूरा, बट आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जाए तो भाग दे। जीजा जी के आने से दीदी का चेहरा ये शर्माती हुई दीदी। चलिए ना मिलने, चलिए ना मिलने, चलिए ना दीदी से मिले। तो क्यों, आप अच्छे तरीके से नहीं मिलिएगा क्या? दीदी यहाँ है। दीदी क्या बात है? वीडियो बना है। मिलिए आप लोग। आप भी प्रणाम प्रणाम कीजिए। आप भी प्रणाम प्रणाम कीजिएगा। अभी बन रही है सब्जी। किस चीज के लिए? हाँ जी, वो लोग आए ना, क्या बोलते हैं, काम करने वाले लोग। पंडाल लग रहा है, मैं आप सबको पंडाल भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। अभी बन रहा है खाना पंडाल वाले लोगों के लिए। चलिए कोई बात नहीं, चेक भी नहीं की सब्जी बनी या नहीं। तो चलिए खाना बन गया है, चलते हैं छत पर पंडाल देखने के लिए। पंडाल कितना बना है, क्या काम हो रहा है। चलिए छत पर लोग, मैं नहीं जाऊंगी। करने जा रही हूँ फेशियल। फेशियल की मैंने यूज़ कर रही हूँ ये नेचरेंस का, आप सब देख सकते हो, डायमंड मिनी फेशियल किट। तो इसी से मैं खुद का भी करूँगी और काजल जी का भी करूँगी। तो अभी उनका करने जा रही हूँ, उसके बाद फिर अपना करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेशियल। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैंने फेशियल करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिनजिंग का। तो क्लिनजिंग के लिए मैं यहाँ पे अयूर का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, बस 45 या 50 रुपीज़ में मिल जाता है। तो अगर आप सभी कोई अच्छा क्लिनजर ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे बाई कर सकते हो। तो क्लिनजिंग में अच्छे से इनके पूरे फेस और नेक एरिया को मैंने 5-6 मिनट तक क्लीन किया है। भले ही आपने फेस वॉश किया हो या नहीं किया हो, बट क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है कुछ भी फेस पे स्टेप करने से पहले, या मेकअप करो या फिर फेशियल वगैरह कुछ भी करो। और उसके बाद एक अच्छे से हैंकी को गीला करके मैंने इसको वाइप आउट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है स्क्रबिंग का। तो स्क्रबिंग मैंने स्टार्ट किया है और वो पूरे फेस पे, पूरे नेक पे, बैक नेक, फ्रंट नेक, हर जगह पे मैंने अच्छे से इनकी स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग हमें बहुत ही धीरे धीरे और लाइट हैंड से करनी होती है। यहाँ पे मैं आप सबको हर चीज़ बहुत ही फास्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सारा कुछ कवर करना इन डिटेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये व्लॉग वीडियो है। तो इस वजह से मैंने स्पीड बढ़ा दी है। तो अच्छे से मैंने इनकी स्क्रबिंग की और इस स्क्रबर का जो ग्रैन्यूल्स थे ना, वो काफ़ी छोटे छोटे थे, बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल भी चेहरे पे चुभ नहीं रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो काफ़ी अच्छा था ये। स्क्रबिंग करने के बाद इसको भी वापस से उसी हैंकी को गीला करने के बाद मैंने इसको वाइप आउट कर दिया है। और इसके बाद हमें दो मसाज क्रीम मिला था और इसके बाद इन्होंने स्टीम भी लिया था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। स्टीम लेना काफ़ी ज़रूरी होता है फेशियल में। उसके बाद मैंने इनको दिया जेल मसाज और फिर क्रीम मसाज भी था। तो जो भी आप फेशियल किट लोगे ना, कोई से भी ब्रांड का लो, तो उस पर स्टेप्स लिखे होते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो ईजिली। बस थोड़े बहुत हैंड्स मूवमेंट और कितनी फ्रीली आपका हैंड मूव कर रहा है और किस तरीके से करना है वो बस आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं इनको यहाँ पर जेल मसाज दे रही हूँ, साथ में उसके बाद फिर मैं क्रीम मसाज भी दे दूंगी, जैसे स्टेप्स अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद हम इनके फेस पे लगाएंगे मास्क।
तो जेल मसाज देने के बाद मैंने इनका चेहरा हल्का सा वापस से वाइप कर दिया था और फिर इनको क्रीम मसाज दे दिया। तो यहाँ पे मैं इनका कर रही हूँ क्रीम मसाज, आप सब देख सकते हो। तो ये बस ना फेस को रिलैक्स करने के लिए होता है, क्योंकि हमने डर्ट्स वगैरह सारे निकाल दिए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए जेल क्रीम मसाज देते हैं। उसके बाद मैं इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ मास्क, फेस मास्क, जो कि 15 मिनट्स बाद इन्होंने रिमूव कर दिया है, नॉर्मल जो हमने हैंग के लिया था उसको ही गीला करके। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था और बस फेशियल का स्टेप्स यहीं पे होता है कंप्लीट। इसका ग्लो आया या नहीं आया ये सब आप मुझे जब नेक्स्ट टाइम व्लॉग में इनको देखोगे तब बताना कि फेशियल कैसे, मतलब अच्छा हुआ या नहीं इनका। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ, बहुत ही छोटा सा व्लॉग है। खूब सारा भर भर के प्यार देना आप सब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना और लाइक करना। थैंक यू।